हे गाइस, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ जो विंडोज़ 10 है उसके लेटेस्ट अपडेट हम डायरेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसको डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे, सेटिंग जाने बाद अपडेट का ऑप्शन आता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आप विंडोज़ के ऑटोमेटिक अपडेट बंद कर देते हैं सेटिंग में जाकर, तो यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। इसमें आप किसी भी अपडेट को लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है फॉल क्रिएटर अपडेट, तो उसको हम अपने पीसी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ हमें लिखना है विंडोज़ 10 डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद में एंटर मार देना है। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी हमें इसको ओपन कर लेना, ठीक है जी। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। देखिए, हम जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखा आ रहा है विंडोज़ 10 फॉल क्रिएटर अपडेट अवेलेबल नाउ, तो यहाँ से हम डायरेक्ट अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक फाइल डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी 6 MB की। मैंने ये फाइल पहले ही डाउनलोड की हुई, इसलिए मैं डायरेक्ट ओपन कर लूँगा। देखिए, इसको ओपन करने के बाद ये ऐसा डेस्कटॉप इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। उसको हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद में ये हमारे जो पीसी है इसका अपडेट चेकिंग करेगा कि हमारे अभी कौन सा है अपडेट है और लेटेस्ट कौन सा है, इसके बारे में ये बताएगा हमें। देखिए दोस्तों, ये बता रहा है कि आपका जो लेटेस्ट है वो है 14.3.9.3 वाला वर्जन अभी चल रहा है और जो मार्केट में है वो है 16.2.9.9, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से अपडेट नाउ पे क्लिक करने के बाद में ये बता देगा सीपीयू ओके, मेमोरी ओके, डिस्क ब्रेक तीनों ओके होने के बाद में नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो गिनती है 100 तक चलेगी। वेल दोस्तों, ये बड़ा है तो आपको, अगर आप जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं तो डेली का 1 GB आता है तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो मैंने हाल फिलहाल इसे 18% डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अगर आप रोज़ का 20-30% जितना डाउनलोड करेंगे उतना रोज़ थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल अभी ये थोड़ी देर में बता देगा, वैसे मैंने 18% कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये पूरा होने के बाद में हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हम विंडोज़ 10 के लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।